कि नया गृह प्रवेश जब होता है तो पूजन भी होता है, हवन भी होता है और शुद्धिकरण भी होता है। लेकिन खैर सियासी बातों में नहीं पढ़ना चाहता। अशोक पांडे जी, क्यों गंगा जल से धुलवाया आप लोगों ने सीएम आवास को? देखिए आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी ने अपने व्यवहार से बता दिया कि घोर हिंदू विरोधी हैं, घोर ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। और जो हमने गंगा जल से धुलवाया था, हिंदू कौन है? उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण अगर किसी ने किया था तो अखिलेश ने किया था। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जवाब वो हिंदू नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो अखिलेश ने किया था, इसीलिए हमने गंगा जल से धुलाने का काम किया था। और जब खाली करते करते भी टोटी लेके चले गए थे, ये भी तो उनके ऊपर आरोप लगा था। ओ मकान खाली करते करते टोटी लेके चले गए, वही अखिलेश यादव है। मेरा ये मानना है इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करके उन्होंने सीधे सीधे अपने को हिंदी बड़ी ईमानदारी से मुझे बताओ बनाने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देके उन्होंने सीधे सीधे हिंदू लोगों का अपमान करने का काम किया है, ये अलग बात है। हम इनसे नहीं डरते क्योंकि शक आए, हूड़ आए, मुगल आए, इन लोगों ने हिंदू धर्म का कुछ नहीं कर पाए तो अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अखिलेश का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है, राम के नाम पे राजनीति मत करो। ठीक है चंचल कुमार जी, जिस समय चंचल कुमार जी मेरा सवाल सुन लीजिए। चंचल कुमार जी देखिए एक बात है, अशोक पांडे जी मैं सवाल कर लूं। चंचल कुमार जी अगर किसी चीज पर आपत्ति है कि आप संजय निषाद के बारे में आप कोई कार्रवाई करोगे क्या? ठीक है चंचल कुमार जी ये बताइए। अरे मरा मरा कह के वाल्मीकि हो जाता है, पढ़ो मालिक पढ़ो, अखिलेश से कहो जरा कि पढ़े। आपके मेरा सवाल है पांडे जी, मेरे सवाल का जवाब दिए मत जाइएगा। आदिवासी मेरे सवाल का जवाब दिए मत जाइएगा। सवाल ये है कि कैबिनेट मंत्री अखिलेश सेवरी का जूठा बेर नहीं खाएंगे, ये वही है जो पत्थर से अहिल्या का उद्धार करते हैं, ये वही है जो आदिवासियों पिछड़ों और हमारे मुख्यमंत्री जी हनुमान जी को दलित कहते हैं। क्या आपके पास जवाब है? क्या हनुमान जी दलित थे? क्या देवी देवताओं में आप जातियां देखोगे? हिंदू विरोधी आप क्या जातियां देखोगे? आप मुझे बताओ अखिलेश हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहे हो? नहीं आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हो? आप की बात करते हो? ठीक है चंचल जी आपका जवाब मैं ले लेता हूँ। अशोक पांडे जी अशोक पांडे जी देखिए एक सवाल ऐसा है जो बार बार उठ रहा है, उसका जवाब भाजपा नहीं दे रही, आप दीजिए। चंचल जी भी ये सवाल पूछ रहे हैं। अशोक पांडे जी रुकिए ना, आप सवाल तो सुनिए। सवाल ये है जो बात चंचल जी कह रहे हैं, जो सवाल कई बार उठ चुका है, संजय निषाद भी तो भगवान राम को श्रृंगी ऋषि से जोड़ देते हैं। जब आप अपने घर में कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई अखिलेश यादव कर देंगे, इसकी आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं? अशोक पांडे जी देखिए संजय निषाद हमारी पार्टी के नहीं थे, जब संजय निषाद ने अनर्गल बात कही थी तो उन्होंने क्षमा भी मांगा था, लोगों ने निंदा की थी। आज स्वामी प्रसाद क्षमा मांग ले, हम लोग क्षमा कर देंगे? तो हम तो हिंदू धर्म के लिबरल लोग हैं, हम वो नहीं है। इनकी हैसियत है, अखिलेश की हैसियत हो तो जरा किसी और धर्म पे दिखा दे, बोल के सर धर्म से अलग हो जाएगा। हम सर धर्म से अलग करने वाले लोग नहीं हैं। हैसियत हो अखिलेश की, स्वामी प्रसाद मौर्य की, दूसरे धर्म पे बोल के दिखाए। मुझे मालूम है हिंदू धर्म लिबरल है और अनर्गल प्रलाप करके लोग भी देश में जी रहे हैं। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चंचल जी, अब सवाल आपसे भी होगा क्योंकि उनसे देखिए लाखों लाख नौजवान नहीं आएगा। ये बताइए कि हिंदू विरोधी अखिलेश यादव का चेहरा ठीक है अशोक पांडे जी सवाल है चंचल कुमार जी कोर्ट के लिए तर्कों के किसी भी धर्म का ग्रंथ उठा लीजिए। राज आए देश काल परिस्थिति के हिसाब से ग्रंथ कब लिखे गए आपको अच्छा अंदाजा है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। किस ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो आज की परिस्थिति में वो असहज न कर दे? बगल में ही तुलसीराम है हिम्मत कि आप किसी का ऐसा विरोध कर दे? ठीक है जो सुधार है उन पर बात होनी चाहिए, पर रामचरितमानस जल जाएगी, कोई व्यक्ति सिलसिलेवार ढंग से अभद्रता करेगा, ये कौन सा संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं?
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।